हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक्स। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर कंपनी के बारे में अगर यहाँ पर बातचीत करें तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन तो हम यहाँ पर डेफिनेटली जानने वाले हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंपनी के यहाँ पर जिस तरह से कैश फ्लोज वर्कआउट हो रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर जो है किस तरह से जो है देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर उस वैल्यूएशन के हिसाब से भी निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज या फिर स्टैग्नेंट वे में ही यहाँ पर हमें जो है कंपनी प्रमोटर होल्डिंग जो है देखने को मिल रही है, और उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी का क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से किस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊँ तो 1996 के अंदर ये कंपनी जो है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इस कंपनी का यहाँ पर मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर है, दैट इज किचन रिलेटेड जो भी अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस होते हैं, उस सेगमेंट में जो है ये कंपनी काम करती है। उस कंपनी में जो ये अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल करती है, और उसके थ्रू जो इस कंपनी का मेन जो है कारोबार देखने को मिलता है। किचन की चिमनीज हो गई, गैस के जो भी हॉब्स हो गए, गैस स्टोव्स हो गए, गैस के जो गीजर्स होते हैं, उस इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये कंपनी बनाती है, और वहाँ से जो है इस कंपनी के मेन रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी जो है देखने को मिलती है। कंपनी का अगर हम यहाँ पर करंट मार्केट कैप भी देखते हैं तो सिर्फ 95.3 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और यहाँ पर कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छे हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। दैट इज 20.6 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और 21.5 के यहाँ पर कंपनी के ROE परसेंटेज भी देखने को मिल रहे हैं। डेट यहाँ पर 8.25 करोड़ का है, जो कि ऑलमोस्ट 8-9% के आसपास कंपनी का डेट है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप। करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 178 पर, और हाई प्राइस बनाया स्टॉक ने 296 का, लो प्राइस यहाँ पर 20 का देखने को मिल रहा है, और 20.8 की इस स्टॉक की बुक वैल्यू भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से बात करूँ तो 46.7 का इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है, और इस स्टॉक का 35 का PE देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की भी बात करता हूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है एक अच्छे से वे में जो है डेफिनेटली यहाँ पर हमें ग्रोथ हुए देखने को मिल रही है। बट द क्वेश्चन है इसकी यहाँ पर ये जो बिजनेस जिस तरह से कंपनी कर रही है उसके अंदर यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कितनी कितने टाइम तक कितनी डबल ट्रिपल चौपल 5-10 गुना जो है हो सकती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बिकॉज यहाँ पर किचन अप्लायंसेस के अंदर पहले से यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है दिग्गज कंपनीज जो है पहले से यहाँ पर मार्केट में ट्रेड हो रही है, सो उसके हिसाब से भी जो है इस तरह की कंपनीज का जो है किस तरह ग्रोथ हो सकता है अगले कुछ सालों में, किस तरह से अपना जो एरिया है वो बढ़ाती है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। 28.87 करोड़ की इस कंपनी के यहाँ पर हमें टॉप लाइन देखने को मिल रहा है, बॉटम लाइन यहाँ पर 1.67 करोड़ की जो है 2022 के हिसाब से देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पिछले तीन क्वार्टर के हिसाब से भी बात करते हैं, तीन क्वार्टर के जो है यहाँ पर कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से भी देखते हैं तो लेट्स एड द टॉप लाइन। तो यहाँ पर 8.28 करोड़ के रेवेन्यू, उसके बाद 9.2 करोड़, उसके बाद 12.56 करोड़ के रेवेन्यू हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 करोड़ के जो है रेवेन्यू देखने को मिल चुका है। अगले क्वार्टर के अंदर सिर्फ 10 करोड़ के भी रेवेन्यू आ जाते हैं तो भी यहाँ पर हमें जो है टॉप लाइन जो है 28 करोड़ से 40 करोड़ तक की जो है ग्रोथ हुई देखने को मिल सकती है, तो एक अच्छा सा टॉप लाइन के अंदर सर्च हो यहाँ पर हमें पहले से देखने को मिलेगा। सो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली स्टॉक के प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है यहाँ पर करेंटली 35 का, उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बॉटम लाइन भी देखते हैं कि किस तरह की जो है यहाँ पर बनी है, तो लेट्स ऐड द प्रॉफिट, दैट इज बॉटम लाइन 0.92 CR इन मार्च क्वार्टर, उसके बाद यहाँ पर 0.52 करोड़ के, और उसके बाद 0.94 करोड़ के जो है कंपनी के प्रॉफिट हुए हैं। तो यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि ऑन द बॉटम साइड यहाँ पर कंपनी के अगर प्रॉफिट्स जो है 3 करोड़ भी आ जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर मिनिमम बेसिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो 3 करोड़ के हिसाब से भी अगर मैं यहाँ पर 35 का प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो मेरे आपसे इतना ज़रा पहले से जो है वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड कर रहा ही है। दैट इज अगर मैं यहाँ पर 35 के पी के हिसाब से भी देखें तो सिर्फ 95 के मार्केट कैप पे चल रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो स्टॉक है उसके अंदर ताकत ज़रूर है कि ज़्यादा अच्छा सा जो है प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम उसके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा कोई ज़्यादा चांसेस जो है अगर मार्केट फॉल होता है थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, अगर यहाँ पर 60 से लेके 60 से लेके 55 करोड़ के मार्केट कैप पर अगर ये शेयर अवेलेबल होता है
है तो मेरे सबसे एक अच्छा सा पिक जो है माना जाएगा इस साल के हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 62.26% की जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी है प्रमोटर्स के पास पड़ी, और पब्लिक के अंदर भी यहाँ पर 36.36% का इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर से ऑनलाइन अप्लायंसेस LLP करके एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसका ही यहाँ पर 15.68% का जो है निवेश जो है देखने को मिला। 36 पॉइंट माइनस अगर हम यहाँ पर करते भी हैं तो भी लेट्स ऐड, तो यहाँ पर निकल कर आता है कि पब्लिक के पास सिर्फ यहाँ पर 20% के जो स्टेक्स हैं, और दैट इज़ ऑलमोस्ट हम कंपनी मार्केट कैप सब कैप के हिसाब से देखें सिर्फ 18 करोड़ के माल जो है यहाँ पर कंपनी के जो कि पब्लिक के पास पड़े हुए हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर इवन यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आया था, बट यहाँ पर हमें -5.13 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग जो है देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे आपसे एक नेगेटिव इंटीमेशन है। बट लेट्स सी कि यहाँ पर कंपनी मेन जो है इन्वेंटरी में जो है कंपनी यहाँ पर मार खा गई है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर -0.85 करोड़, उसके अंदर कंपनी ने यहाँ पर डेफिनेटली फिक्स एसेट से परचेज की, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग्स जो यहाँ पर कंपनी को 6 करोड़ की जो है यहाँ पर देखने को मिली है। 5 साल के हाई प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर 1.266% के रिटर्न्स पहले से स्टॉक ने दे दिए हैं। 296 का हाई प्राइस और 7 रुपये का लो प्राइस करेंटली चल रहा है यहाँ पर 177.65 पे। तो क्वेश्चन राइज कि यहाँ पर हमें निवेश करना है या नहीं। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखूँ तो थोड़ा बहुत जो है करेक्शन अगर और स्टॉक के अंदर आता है तो मेरे आपसे जो है यहाँ पर अगर ऑलमोस्ट देखें तो 20-25% का जो और फॉल जो है अगर देखने को मिल जाता है, सो काइंड ऑफ एक अच्छा सा मार्केट कैप के हिसाब से जो है यहाँ पर हमें स्टॉक जो है देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर सोचा जा सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, बट फॉर अ टाइमिंग आई थिंक यहाँ पर कंपनी टॉप लाइन डेफिनेटली बॉटम लाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर मेन फोकस जो है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर ही रहेगा। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में जो चैनल यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।